हेलो बच्चों, तो आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट फर्स्ट है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमें यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है वो कितना कुछ आ गया है और कितना पढ़ने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो वन बाई वन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट मैचिंग सेट, कॉलम ए एंड कॉलम बी दे रखा है, इलोन टेस्टुडा कैमिलोन कैलोटिस गार्डन लेजार्ड ट्री लेजार्ड टॉर्टोइस एंड टर्टल। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों। देखो इलोन जो होता है वो क्या है, टर्टल, टेस्टुडो जो है वो टर्टोइस है, कैमिलोन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्री लिजार्ड एंड कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, जिसे आम भाषा में क्या बोल देते हैं, गिरगिट बोल देते हैं ना हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका राइट मैच क्या हो गया, ए का फोर्थ। क्या ए का फोर्थ किसी ऑप्शन में है, तो ए का फोर्थ है ही नहीं, तो पहले ही हमारा ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन हमें तो सारे चेक करने हैं। टेस्टुडो क्या हो जाएगा, बी, बी का थर्ड, टॉर्टोइज हो जाएगा, कैमिलोन जो होगा जो है ट्री लिजार्ड होगी, और कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, डी का फर्स्ट। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर सवाल सॉल्व करना, जो क्वेश्चन सॉल्व करना ये नहीं है, उसके साथ हम क्या और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है हमें याद रखनी चाहिए वो भी हम यही सीख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बता दो वॉल लिजार्ड का नाम, वॉल लिजर्ड किसे बोलते हैं, तो वॉल लिजर्ड जो है वो हेमी डक्टाइलस। ठीक है, हेमी डक्टाइलस को क्या बोलते हैं, वॉल लिजर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको राइट जो आंसर है उसे चूज करना है। फैमिली कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन। सेकेंड है, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवॉल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर्स। थर्ड बोल रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन ग्रीक एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ट्रिटिकम एस्टिवम कम्स अंडर द फाइलम एंजियोस्पर्म। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो देखो, फैमिली कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ये यहाँ पर जो है वो गलत लिख दिया है। हैज़ मोर, मोर नहीं, लेस करेक्टर इन कॉमन। जो फैमिली कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या होती हैं, जेनरा, जेनरा आर मोर नहीं होता या लेस होता है करेक्टर्स इन कॉमन। जो हम हायरार्की का ऑर्डर पढ़ते हैं वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं, असेंडिंग ऑर्डर में, सर ने जी एफ को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई कर। स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम या डिवीज़न, क्योंकि हमें पता है प्लांट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न, और एनिमल्स के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं फाइलम, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका किंगडम। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अगर हम जीनस जनरा को मिलाएंगे तब हमारी जो फैमिली होगी वो फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है गलत लिख दिया है, लेकिन हमें तो क्या सेलेक्ट करना है, करेक्ट वन। फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवॉल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर है, पॉलीमोनियल सही बात है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर, सही बात है ये। तो हमारा करेक्ट आंसर तो हमें सेकंड मिल गया है, सेकंड ऑप्शन मिल गया है। लेकिन हमें ये भी देखना है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, ग्रीक यहाँ पर गलत है, प्रिंटेड इन इटैलिक्स सही बात है। तो यहाँ पर ग्रीक की जगह कौन सा होना चाहिए, ग्रीक की जगह कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं,
बताओ जल्दी। लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ट्रिटिकम एसिवम, ये किसका नाम है? इससे आप कैसे पहचानेंगे? तो ये है वीट, ट्रिटिकम एसिवम वीट है। कम्स अंडर द फाइलम एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि एंजियोस्पर्म फाइलम डिवीजन लिखा जाएगा, क्योंकि प्लांट के लिए हम क्या लिखते हैं? डिवीजन। प्लांट के लिए क्या लिखते हैं? डिवीजन, अभी मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर था प्लांट फैमिली लाइक कॉनवॉल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। यहीं पर आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो बच्चों, मैंगो का साइंटिफिक नेम, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? जल्दी बताओ। तो ये है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये है प्लांट का साइंटिफिक नेम। ये फर्स्ट वर्ड जो है इस साइंटिफिक नेम का, पहला वर्ड क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, पहला वर्ड क्या कहलाता है? तो ये क्या हो गया? जीनस। और जो सेकेंड वर्ड है उसे क्या बोलते हैं? जैसे एस्टिवम है इसके लिए, वीट के लिए, वो गया स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ द सेम फैमिली, आपको बतानी है कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें फैमिली है सभी के लिए सेम है। लॉयन टाइगर डॉग, सोलेनम पिटूनिया हिबिस्कस, डॉग कैट लेपर्ड, सोलेनम धतूरा एंड पिटूनिया। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो देखिए, सोलेनम धतूरा एंड पिटूनिया जो हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और नाम है उनकी फैमिली का सोलेनेसी। फैमिली का क्या नाम है बच्चों? सोलेनेसी। तो हमारा राइट आंसर ये है। यहीं पर आप मुझे बता दो कि जो लॉयन एंड टाइगर हैं, लॉयन एंड टाइगर हैं, उनका जीनस क्या है? जेनरा, जेनरा ऑफ लॉयन एंड टाइगर, जल्दी बताओ। तो वो है पैंथेरा, पैंथेरा। जेनरा क्या है दोनों का? पैंथेरा। डॉग जो है उसकी फैमिली, फैमिली ऑफ डॉग, डॉग की फैमिली क्या है? डॉग की फैमिली का नाम बताओ। डॉग की फैमिली है कैनिडी, डॉग की क्या फैमिली है? कैनिडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको विथ रेफरेंस टू स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनके रेस्पेक्ट में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है नॉन पैरासिटिक होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एज फ्लैजिला। सी बोल रहा है मलेरिया कॉजिंग वेक्टर बिलोंग्स टू स्पोरोजोन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। जल्दी बताओ इसका आंसर, कमेंट करके बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो। तो देखो, ये स्पोरोजोन्स है वो क्या है? प्रोटेस्टा के अंदर ये एक प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन है। प्रोटेस्टा के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्पोरोजोन्स होते हैं, जो प्रोटोजोअन्स के मेंबर हैं वो सारे कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। यहाँ तो गलत लिख दिया नॉन, तो ये कैसे होते हैं? ऑल आर पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इज फ्लैजिला, गलत बात, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मलेरिया कॉजिंग वेक्टर, तो यहाँ पर बताओ ये वेक्टर गलत लिख दिया है, मलेरिया कॉजिंग वेक्टर, नाम बताओ जल्दी से, मलेरिया कौन कॉज करता है उसका वेक्टर का नाम बताओ। तो वो होता है फीमेल, फीमेल
फीमेल एनो फिलीज, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज जो है मॉस्कीटो है वो वेक्टर का काम करता है मलेरिया के लिए। ये कह रहा है ये जो है वो प्रोटोजोअन से बिलोंग करता है, मतलब स्पोरोजोअन से बिलोंग करता है, तो गलत बात, क्योंकि ये तो एक ऑर्थोपोड है, अर्थोपोडा से बिलोंग करता है, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, सही बात है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी इनमें प्रेजेंट होगी। बट हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए कितना हो जाएंगे, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, मतलब तीन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू यूनिस मल्टी सेलुलर फंगाई फ्लेमेंटिशियस एल्गी एंड प्रोटीनियम ऑफ मोसिस। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या चीज़ कॉमन है, ये तीनों जो बताए हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी के हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन बाई फर्मेंटेशन, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। जल्दी बताओ, तो मल्टीप्लिकेशन बाई फर्मेंटेशन, इन तीनों के अंदर चाहे वो मल्टीसेलुलर फंगाई हो जाए, फ्लेमेंटिशियस एल्गी या प्रोटीनियम ऑफ मोसिस, इन सब के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय विच स्पोर्स। यहाँ पर आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर कौन से स्पोर से होता है, बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, कोनिडियो, बेसिडियो, एस्को एंड ऊस्पोर। बताओ बताओ बच्चों, बताओ, जल्दी करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड ऊस्पोर जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पोर्स हैं, सेक्सुअल। कोनिडिया जो होता है ये नहीं है, कोनिडिया आ रहा है अपने आप में आंसर कट जाएगा, आपको क्रॉस चेक करनी है। और जूस्पोर जो है ये भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे आंसर जो है फोर्थ फाइंड आउट कर लेंगे। चलो यहीं पर ये बता दो, जो एस्कोमाइसिडीज है, एस्कोमाइसिडीज जो एस्कोमाइसिडीज है फंगल की क्लास, इसके मेंबर के नाम बता दो, जल्दी से करो, इसके मेंबर्स के नाम बता दो। तो इसको याद करने की मैंने पहले भी ट्रिक बताई है आपको, ए सी पी न्यू यॉर्क में था, ए सी पी न्यूयॉर्क में था, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, और इसका होता है एस्परजिलस लस, सी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी पी न्यूयॉर्क में था, जल्दी बताओ, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, वाई फॉर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो है ये इसके मेंबर्स हैं। ईस्ट मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होता है या फिर यूनिसेलुलर, जल्दी बताओ, ईस्ट मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर, तो ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है ईस्ट। ईस्ट में इक्वल बडिंग बनती है या अनइक्वल, इक्वल होती है या फिर अनइक्वल, तो यहाँ पर अनइक्वल बडिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट, क्लास ऑफ एल्गा विच सो, क्लास ऑफ एल्गा विच सो, एल्गी की वो कौन सी क्लास है जो इन फिनोमेना को सो करेगी,
पहला है द फॉर्म एंड साइज ऑफ थैलस इज हाईली वेरिएबल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो वेरियस टाइप, ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, सभी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब कौन हो गया, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। जल्दी बताओ इसका आंसर, ब्राउन एल्गी। और जो रोडोफाइसी है वो रेड एल्गी। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेटमेंट हैं वो क्लोरोफाइसी के लिए सही है। क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर भी वेरियस होते हैं। कप सेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। कप सेप तो ये पाया जाता है क्लेमाइडो मोनास। ठीक है, क्लेमाइडो मोनास के अंदर पाया जाता है। यहीं पर मुझे ये भी बताओ बच्चों, जो रेड एल्गी होता है उसमें स्टोर्ड फूड किसकी फॉर्म में रहता है? स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रहता है? तो ये होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करने हैं, गिविंग ऑल द फोर पार्ट्स ए वी एंड सी डी करेक्टली आइडेंटिफाई। आपको बताना है ये ए पार्ट ये किसको शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है, पहले तो ये बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है मार्चेंटिया। ये किधर से बिलोंग करती है, पता बता दो जल्दी से, इसको पता बताओ किधर से बिलोंग करती है। तो ये एक लिवर वर्ड है, ठीक है, लिवर वर्ड ब्रायोफाइट से बिलोंग कर रही है। तो ये जो ए स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंथ्रेडियोफोर, एंथ्रेडियोफोर। बी क्या है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो ये बी है वो मेल थैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, सी गैमा कप, गैमा कप। और ये डी जो है वो राइजोइड, राइजोइड्स, राइजोइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लो, मिला लो, ए है एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया नहीं, सीटा तो ये है ही नहीं, एंथ्रीडियोफोर, बी मेल थैलस, सी गैमा कप, एंड डी जो है राइजोइड्स। तो आंसर तो आपका फोर्थ हो गया। अब यहीं पर बताओ, जो गैमा कप्स होते हैं वो ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं या फिर नॉन ग्रीन, ग्रीन होते हैं या फिर नॉन ग्रीन, जल्दी से बताओ। तो गैमा कप जो होते हैं वो ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर, मल्टी सेल्युलर होते हैं या फिर यूनि सेल्युलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर, तो ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। असेक्सुअल होते हैं या सेक्सुअल, असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं या असेक्सुअल, तो ये कैसी होती हैं, असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। जो गैमा कप्स होते हैं ग्रीन, मल्टीसेलुलर, असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं गैमा कप। ओके, आर्किगोनियोफोर जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और एंथ्रेडियोफोर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल थैलस को। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, रेड एल्गी, रेड एल्गी को क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी,
रेड एल्गी डिफर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी जो है वो ग्रीन और ब्राउन एल्गी से किस बात में डिफर है? नो क्लोरोफिल, नो डिफ्रेंशिएटेड सेल, नो फाइकोसाइनी विद इन देयर सेल, नो फ्लैजेलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जल्दी बताओ। तो ये बात तो गलत हो गई। चाहे कोई सी भी एल्गी हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सॉरी ब्राउन हो, तो इन सब में क्या होगा? क्लोरोफिल ये तो जो है वो हर एक के अंदर प्रेजेंट है। नो डिफ्रेंशिएटेड सेल, गलत बात। नो फाइकोसाइन विद इन द सेल, गलत बात। जो रेड एल्गी होता है उसके अंदर फाइकोसाइनिन एंड फाइको एरिथ्रिन जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये बात भी गलत कह दी। नो फ्लैजेलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ये बात सही है। जो रेड एल्गी होते हैं उनके अंदर कोई भी फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं पाई जाती। ये बात रेड एल्गी के रेस्पेक्ट में सही है। ठीक है, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्चेंटिया। मार्चेंटिया के बारे में क्या बात सही है? इज डाइसियस पसेज एंथ्रीडियो फोर एंड आर्कियोनियो फोर लैग फुट एंड सीटा इन स्पोरोफाइट इज हेट्रो स्पोरस इन नेचर। हमें यहाँ पर बताने हैं करेक्ट वन कौन से सही हैं। जल्दी बताओ, जल्दी करो प्यारे बच्चों। तो मार्चेंडिया जो है वो क्या है? एक लिवर वर्ड ठीक है, ब्रायोफाइट है। तो ये डाइसियस होता है, मतलब मेल एंड फीमेल जो होता है अलग अलग होता है। मेल थैलस अलग है और फीमेल जो है वो अलग है, और मेल थैलस जो है अलग है। ठीक है, तो डाइसियस है, बिल्कुल सही बात, और हमें करेक्ट ही बताना है। पसेज द एंथ्रीडियो फोर एंड आर्कियोगोनियो फोर, सही बात है। एंथ्रीडियो फोर यहाँ पर मेल और आर्कियोगोनियो फोर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैक ऑफ फूट एंड सीटा इन इट्स स्पोरोफाइट, गलत बात। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूट सीटा एंड कैप्सूल, फूट सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। इस हेटरोस्पोरोसिस इन नेचर, गलत बात है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। यही मैं तुमसे एक बात पूछूं बच्चों, होमोस्पोरस होते हैं क्या? सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं? ऑल ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं? ये बात ट्रू है या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? तो ये बात कैसी है? ट्रू है। सारे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, क्योंकि हेट्रो स्पोरस जो कंडीशन है वो कहाँ से मिलती है? टेरिडोफाइट्स से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइसियस होते हैं, एंथ्रीडियो आर्कियोगोनियो फोर होते हैं। तो ये सही है, वन एंड टू इज राइट, वन एंड टू इज राइट, बाकी तो ये गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर करेक्ट, सही आंसर जो है वो फाइंड करना है। पहला क्या बोला है? द गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर इज कॉल्ड प्रोटोनीम, व्हाइल अ प्रोटोनीमा विच डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन स्पोर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो स्पोर्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा इन टेरिडोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट। चौथा बोला है सेक्स ऑर्गन आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर आपको बच्चों करेक्ट आंसर देना है। तो देखो, पहला क्या बोला है? द गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर विच डेवलप फ्रॉम स्पोर, जो स्पोर से डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा, सही बात है। वाइल द प्रोटोनीमा विच डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन स्पोर, स्पोर को छोड़कर दूसरे पार्ट से जो डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
जूस पूरा एबसेंट इन बायोफाइट, सही बात है। इन टेरिडोफाइट द गैमेटोफाइट इज न्यूट्रिशनली डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, तो ये बात जो है यहाँ पर क्या कही है, गलत। इनडिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट, क्योंकि जो टेरिडोफाइट ऐसा ग्रुप है यहाँ पर स्पोरोफाइट और टेरिडोफाइट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। वहीं क्या बोल रहा है, तो ये बात तो हमारी गलत हो गई। सेक्स ऑर्गन आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन जिम्नोस्पर्म, ये बात गलत। यूनिसेलुलर नहीं, कैसे होते हैं, ऑलवेज मल्टीसेलुलर, चाहे वो ब्रायोफाइट के अंदर हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, हमसे करेक्ट पूछा है, तो हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट वन। चलो बता दूँ यहाँ पर एक और सवाल का जवाब दो बच्चों, जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंडो उसकी प्लॉयडी बताओ, प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, तो उसकी प्लॉयडी होती है एन, एन मतलब क्या हो गया, हैप्लॉयड, ऐसी होती है, हैप्लॉयड होती है। नेक्स्ट, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स आर फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी हैव अ रिज्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ स्पेक्टोज, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई जूस्पोर दैट हैव टू इक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, इन ब्रायोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल आर्किगोनिया इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इनमें कौन से सही हैं, आपको सही आंसर जो है वो बताना है। तो जल्दी करो बच्चों, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, एक भी शब्द मिस हो गया तो आंसर हो जाएगा गलत और नंबर आएगा आपका जीरो, समझ में आया, तो जीरो नहीं लेना है, हीरो बनना है आपको, हीरो। तो देखो, स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, गलत, साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं, ये किस में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ऑफ द ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी हैव रिज सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर जो होती है सेलुलोजिक होती है, सही बात है, एंड आउटर जो होती है पेक्टोस, तो ये बात जो है हमारी कैसी निकली, सही। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई जूस्पोर दैट हैव टू इक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला, तो यहाँ पर इक्वल नहीं होते, ये कैसे होते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल होते हैं, तो ये बात भी हमारी फेल रही। इन ब्रायोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, सही बात है, फ्लास्क शेप होते हैं, सही है, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, विच इज करेक्ट, ठीक है, तो ये बात सही है, ये सही है, सेकंड वाली सही है, पहली गलत है, तो यहाँ पर कौन सा सही है, विच इज करेक्ट पूछा है, तो आपको सही बताना है, पहला दूसरा सही है आपका, दूसरा जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन लो, और चौथा सही है, चौथा और दूसरा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ऑल तो हो ही नहीं सकता, और आपका जो है यहाँ पर थर्ड वाला गलत है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, थर्ड गलत है तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इन बिगनिंग विद जर्मिनेशन ऑफ मॉस स्पोर What is the sequence of the structure that develop after germination? तो आपको बताना है after germination की बात जो होगी वो कौन सा sequence follow करेगी? Embryo, gametes, sporophyte, protonema and leafy stage. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, spores से protonema का formation होता है, तो first ये है, second stage leafy stage होती है, third पर यहाँ gametes का formation होगा, then embryo बनेगा, then fifth पर आपका sporophyte, ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लो, फर्स्ट और ये फोर्थ वाला होना चाहिए,
फोर्थ किस किस में, एक किस ऑप्शन में, एक किस में हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप पहले से ही। अब सेकंड पर होना चाहिए फिफ्थ वाला आपका, तो ये भी। देन देखो थर्ड पर सेकंड वाला होना चाहिए, सेकंड यहाँ पर थर्ड दिखा रहा है, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर आपका आएगा फोर्थ। तो सबसे यहाँ पर सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, प्रोटोनिमा जो किससे बनेंगे, स्पोर से, उसके बाद क्या आएगी आपकी लीफी स्टेज, आफ्टर दैट गैमेट, फिर यहाँ पर एम्ब्रियो, और देन यहाँ पर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो है प्रोटोनिमा, देन लीफी स्टेज, थर्ड पर गैमेट बनेंगे, फोर्थ पर एम्ब्रियो, एंड जो है फिफ्थ पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मैच, कॉलम ए कॉलम बी, स्कॉलिडन, क्लैरिस, एक्सोटिस, पेट्रोफाइलम, बोनीफेस, बोनीफेस, कार्लिस फिश एंड फ्लाइट फाइटिंग फिश। यहाँ पर आपको बताना है ट्रू मैच, तो स्कॉलिडन क्या बोनीफेस होता है, तो ये गलत बात है, क्लैरिस बोनीफेस होता है सही बात, एक्सोटिस जो है वो कार्टिलेज फिश गलत, पेट्रोफाइलम जो होता है फ्लाइंग फिश होता है गलत बात है। तो सिर्फ ऑप्शन ये बी वाला सही है, लेकिन हमें आंसर कहाँ से मार्क करना है, इसमें से, तो ओनली बी जो दिख रहा है वो सही। अब यहाँ पर बताओ जो फाइटिंग फिश होता है उसका नाम, जो फाइटिंग फिश होती है उसका नाम, फाइटिंग फिश का नाम है वेटा, वेटा फिश जो होती है वो क्या होती है, फाइटिंग फिश। पेट्रोफाइलम को क्या बोलते हैं, पेट्रोफाइलम का दूसरा नाम क्या है, तो वो है एंजल फिश। क्या नाम है, एंजल फिश। नेक्स्ट, पॉलीट्राइकम इज अ ब्रायोफाइट सिंस इट डज नॉट हैव, इसके पास जो है वो क्या नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू, रूट्स, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, सीड्स, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ऑल ऑफ दीज, बताओ बच्चों। तो इसके पास वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते, यहाँ पर डज नॉट हैव बताया है, तो ये भी सही बात है, रूट्स भी नहीं है, टू रूट्स जो हैं एब्सेंट है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है सही बात है, एंड सीड्स, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज राइट वन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स दिए हैं, द करेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी वुड इंक्लूड, क्लोरोफाइसी के अंदर मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरेटिनॉइड, एंथ्रोफिल्स, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन से पिगमेंट्स। तो जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, बी पाया जाता है, कैरेटिनॉइड एंड जेंथ्रोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरेटिन्स एंड जेंथ्रोफिल्स। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला दूसरा देन चौथा, तो यहाँ पर चौथा है और छठा, चौथा एंड छठा, दैट मीन्स फोर्थ हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहीं पर मुझे बता दो बच्चों, जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी उसके अंदर पिगमेंट्स, उसके अंदर क्लोरोफिल के टाइप बताओ कौन कौन से टाइप का होता है। देखो क्लोरोफिल ए तो दो तीनों के अंदर होगा, चाहे वो रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या ग्रीन एल्गी हो। ठीक है, दूसरा क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर होगा क्लोरोफिल सी, ए एंड सी जो होगा वो ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाएगा,
चलो यहाँ पर एक और बात बताओ ब्राउन एल्गी के बारे में कि जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर कौन सा हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, विच टाइप ऑफ हाइड्रोक्लोराइड लाइट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी। तो इसमें क्या होता है, एल्जिन 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 एंड कारजिन। ठीक है, एल्जिन किसके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है, और रेड एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है, कमेंट करके बताओ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल द ऑर्गेनिज्म आर होमोस्पोरस, फिनेरिया साल्विनिया एंड्राइप्टेरा एजोला सेलाजिनेला फिनेरिया साल्विनिया सिड्रस फिनेरिया स्फैग्नम टेरिस एंड एडियंटम। आपको बताना है होमोस्पोरस बताना है। तो देखो साल्विनिया हेटरोस्पोरस होता है, सेलाजिनेला हेटरोस्पोरस होता है, साल्विनिया हेटरोस्पोरस होता है। तो ये तो कट गए अपने आप, वन टू थ्री रॉन्ग, हमारा राइट आंसर है फोर्थ स्फैग्नम टेरिस एंड एडियंटम। ये कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। यहाँ पर हेटरोस्पोरस सेलाजिनेला साल्विनिया हो गया, ये सारे क्या होंगे, हेटरोस्पोरस होते हैं। स्फैग्नम को और क्या बोलते हैं, स्फैग्नम को और क्या बोलते हैं, स्फैग्नम को पीट मॉस भी बोलते हैं, पीट मॉस, स्फैग्नम इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस। वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं ये बता दो मुझको बच्चों, वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं, कमेंट करके ये आंसर बताओ। दो आंसर बताने को बोला है मैंने आपसे, एक तो वॉकिंग फर्न किसको बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताओ, उससे पता लगेगा आपको कितना आना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, गिवन अ फ्यू स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू, कोन आर प्रेजेंट, चूज द ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, सही बताने हैं। ये सारी बातें जो हैं वो किसके लिए सही हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसमें रहता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो लैंड प्लांट्स हैं और वेस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन हुआ है तो वो कौन है, टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट्स। अब ढूंढ लो इसमें टेरिडोफाइट कौन सा है, पाइनस जो जिम्नो में आ जाएगा, साइकस भी जिम्नो में आ जाएगा, तो इक्विशेटम जो है उसका आंसर बनेगा आंसर नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म गिव डिस्टिंग्यूज देम फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से किस तरह से अलग मान सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, सही बात है एंजियोस्पर्म में होता है, जाइगोट ट्रिप्लॉइड 3n होता है एंड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन बनता है, बिल्कुल सही, पहला भी सही, पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, तो यहाँ पर टू वर्ड सही बात है। तो ये ऑल ऑफ अबव, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉयडी जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की प्लॉयडी क्या है, इसकी ट्रिप्लॉयड होती है एंजियोस्पर्म में, ट्रिप्लॉयड 3n होती है, तो जिम्नोस्पर्म की कितनी है, n है, और ये प्री फर्टिलाइजेशन होता है या पोस्ट, तो ये कब बनता है, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, नेचर ऑफ सीलोम इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर नॉट मल्टी सेलुलर, डिविजन ऑफ लिवर स्टार्ट फ्रॉम पोरीफेरा एनिलीड्स सो वाइलेटरल सिमेट्री। तो इसमें क्या क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट दिया है इनकरेक्ट दिया है, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है,
नेचर ऑफ सीलोम इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सही बात है, कौन सीडो सीलोम में होते हैं, तो इन बेसिस पर हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर नॉट यूनिसेलुलर, तो ये बात गलत है, सारे एनिमेलिया के मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गया गलत। डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम पोरीफेरा, सही बात है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो बनी हो, ठीक है। तो पोरीफेरा में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स होंगी, वो अपना अलग अलग फंक्शन वर्क करती हैं, तो ये बात सही है। एंड लीड्स टू क्वालिटेटिव सिमेट्री, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, तो हमारा हो गया ए सी एंड डी, ए सी एंड डी पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव फॉल्स सीलोम, फॉल्स सीलोम का मतलब क्या हो गया, सीडो सीलोमेट्स बताने हैं आपको, सीडो सीलोमेट्स। तो देखो हाइड्रा के अंदर तो कोई सीलोम होती नहीं है, असीलोमेट होते हैं, एस्केरिस होती है क्योंकि ये जो होती है एस के हेलमेंथीस के मेंबर्स में होगी, तो ये फाइलेरिया वॉर्म ये भी इसमें होगा, होपवॉर्म होगा, अर्थवॉर्म तो इसका मेंबर है नहीं, तो यहाँ पर बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है, बी सी एंड ई, एस्केरिस फाइलेरिया वॉर्म एंड होपवॉर्म। नेक्स्ट, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ विच फाइलम, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिडा। तो ये होगा ऑर्थोपोडा के मेंबर्स जो होंगे उनके अंदर बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड गिल्स के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन, मतलब लिविंग फॉसिल का नाम। फाइलम ऑर्थोपोडा में आपने पढ़ा होगा लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का नाम बताओ वो क्या है, ल्यूमिनस किंग क्रैब, ल्यूमिनस किंग क्रैब क्या है, लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच इज करेक्ट मैचिंग, मैचिंग बतानी है कौन सी सही है, मिडिल स्टार, सी एयर, पर्ल ऑयस्टर, सी अर्चिन, इकाइनस, फिंगर डालप, एप्लेसिया एंड ओफ्यूरा। तो मिडिल स्टार, ओफ्यूरिया, पर्ल ऑयस्टर, फिंगर डाला, सी अर्चिन, इकाइनस हो जाएगा और सी एयर, एप्लेसिया, ठीक है। तो मैच कर लो, पहले का फोर्थ मैच करो तो किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, लेकिन हम सबको मैच कर लेते हैं, सी एयर थर्ड, एप्लेसिया सी एयर हो गया। नेक्स्ट क्या है, सी पर्ल ऑयस्टर, सेकेंड डी और फर्स्ट इकाइनस, तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश, ट्रू फिश नहीं है, हैग फिश, डबल फिश आर बोथ वन एंड टू, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखो डेविल फिश क्या होता है, ऑक्टोपस को बोला जाता है, ऑक्टोपस, तो ये कोई फिश तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। दूसरा हैग फिश जो होता है मिक्साइन, ये भी ट्रू फिश नहीं है, मिक्साइन हैग फिश सिर्फ सार्क है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू फिश बोला है, तो हमारा आएगा बोथ वन एंड टू। अब यहीं पर बता दो जो हैग फिश है वो कहाँ से बिलोंग करती है, हैग फिश जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड कमेंट योर फीडबैक, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर भी जो है आपको कहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है लिखने हैं, ठीक है, जिससे पता लगेगा आपको कितना आता है। एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है आपको बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं यहाँ पर, ठीक है।
वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की यहाँ पर, और भी जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहेगी। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की इस तरह की सीरीज़ में दोबारा से आपके सामने इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आपको उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, ठीक है? बढ़ चढ़ के भाग लेना है, हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आंसर जो है आपको दे देना है, ठीक है? तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।